रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में श्रमिक दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्राइमरी विंग के छात्र छात्राओं ने श्रमिकों के हितों को लेकर प्रेरक संदेश दिए। इसके साथ ही बच्चों ने स्कूल और घर में दैनिक जीवन में श्रमिकों के हितों को लेकर कार्य करने की पहल का संदेश भी समाज को दिया। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में बच्चों ने समूह नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि सभी का कार्य महत्वपूर्ण है, समाज में हर वर्ग की भूमिका खास होती है। प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि यदि कृषि के लिए मजदूर ना मिले तब अनाज उत्पादन में समस्या होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इमारतों के निर्माण में मजदूरों की ही भूमिका अहम होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में सभी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। उन्होंने मजदूरों को समाज में उचित सम्मान ना मिलने पर दुख भी जताया। कार्यक्रम में पद्माक्षिया, अर्णिका, अभय, अनादि, अक्षिता, आविशी, अग्रज, तबीबा, मयंक, चित्रांश, श्रीनिका आदि बच्चों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। मैम अपना परिचय दीजिए। मैं सीमा श्रीवास्तव राइजिंग चाइल्ड स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज विद्यालय में क्या कार्यक्रम होगा? आज विद्यालय में लेबर डे जो 1 मई को मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में बच्चों ने अनेकों तरह के एक्ट, स्पीच और नृत्य के कार्यक्रमों के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जहाँ भी सफल हो रहे हैं, उनमें निश्चित रूप से इन लेबर्स का योगदान रहता है और इनके बिना हम लोगों के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते। हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है कि हर कैटेगरीज के लोग हर तरह से पूर्ण रूप से जब कार्य अपना यथा संभव सहयोग देते हैं तभी वो कार्य पूर्ण होता है। तो इन लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आजकल बहुत धूप चल रही है तो धूप के कारण इन लोगों में जो परेशानियां हो रही हैं, हम लोग उनके लिए कहाँ साथ में खड़े हो सकते हैं, कहीं पर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, कहीं पर उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जो इस समय सबसे ज़्यादा मोटो लिया गया, जो हमारी इंटरनेशनल लेबर डे की थीम भी बनाई गई है, लेबर्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और उनके लिए न्यूट्रिशन और अच्छे से अच्छा एटमोसफियर मेंटल हेल्थ का किया जाए, इस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।